अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर को आप हीट करेंगे, अगर आप उस रेजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सो व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? लेट्स थिंक लॉजिकली। अपने पास में एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर को अगर हीट किया जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? वेरी गुड निशा, आपके पास एक वायर है, थोड़ा लॉजिकली सोचो। ये आपके पास एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर जीरो एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस मेजर किया आर जीरो, इसको आपने हीट किया 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ तो टेम्परेचर आपने इसको आपने हीट किया, लेट्स से इट बिकम्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो मेरा नया रेजिस्टेंस है, जो मुझे नया रेजिस्टेंस मिलेगा, सो माय न्यू रेजिस्टेंस विल बी आरटी। सो आरटी मतलब एट टेम्परेचर टी। आप T1 T2 ले लोगे तो R1 R2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो द न्यू रेजिस्टेंस वी आर सेइंग इज आरटी। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। ये एक मेटल वायर है, इसका लेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो आर टी बड़ा है, आर जीरो छोटा है। सो कैन यू टेल मी What will be the increase in resistance? ये पहला दो पॉइंट देख के बता सकते हो क्या? What will be the increase in the resistance? So we can say it is RT minus R0, बड़ा माइनस छोटा, this is the increase in resistance. अब देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ये मैंने अलग अलग वायर्स के साथ, कॉपर का वायर लिया 1 मीटर, कॉपर वायर 2 मीटर, कॉपर वायर 5 मीटर, ब्रास का वायर लिया, एल्यूमिनियम का वायर लिया, अलग अलग लेंथ का वायर लिया, अलग अलग टेम्परेचर्स के साथ में उसको हीटिंग किया, उसके बाद जो मुझे रीडिंग मिले, तो मैंने लिखा एक्सपेरिमेंटली। सो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, there were 2 observations, increase in resistance. So ye jo mera increase in resistance hai, it is directly proportional to the original resistance, or you can say the initial resistance at, अभी इधर हमने जीरो लिया है, तो यू कैन टेक एट जीरो डिग्रीज या एट योर इनिशियल टेम्परेचर या जो भी आपका चोजन टेम्परेचर है वो। एंड सेकेंडली इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज in temperature. So increase in resistance directly proportional to original resistance, increase in resistance proportional to the
rise in temperature. ये दोनों statements समझ में आ रहा है क्या, पहले बताइए. Is everybody understanding these two statements? ये हमने यहां पे जो भी किया है उसके बेसिस पे इसको लिखा है. ओके, ग्रेट. तो अब यही चीज को जो हमने वर्ड्स में लिखा है इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे. तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे प्लीज ध्यान दीजिए. अभी जिसको ये नहीं समझा है, हम ये सेम चीज मैथमेटिक्स में लिख रहे हैं. यहां ध्यान नहीं दिया है तो अब इधर ध्यान दो प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट पे. तो यही चीज को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे देखो. सो मैथमेटिकली इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस? वी कैन राइट आरटी माइनस आर जीरो. तो ये जो आरटी माइनस आर जीरो है ये डिपेंड करता है कि पहले इनिशियल आर जीरो कितना है. सो इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्रीज. इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा तो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा. तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका इंक्रीज भी ज्यादा होगा. सो इफ आई एम सेइंग देयर इज अ 10% इंक्रीज, तो जिसका वैल्यू 100 सेंटीमीटर था उसका तो 10 सेंटीमीटर बढ़ गया. जिसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर था उसमें भी 10% बढ़ा तो वो 1 सेंटीमीटर से बढ़ा. यानी जिसका ओरिजिनल लेंथ ज्यादा यानी उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस ज्यादा एंड देयरफॉर उसका इंक्रीज भी ज्यादा ही होगा. सेकेंडली आर टी माइनस आर जीरो यानी ये वाला लाइन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर. अब यहां पर देखिए हमने लिया है जीरो एंड टी. अगर आप इसको लेते हो टी जीरो और इसको आप लेते हो टी या टी वन टी टू, जैसा भी आप अगर लिखना चाहो तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. एनीवेज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज राइज इन टेम्परेचर. तो टी माइनस जीरो, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर? टी माइनस जीरो. सो वी विल राइट हियर स्मॉल टी, इतना डिग्री सेंटीग्रेड. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देंगे. सो देयरफॉर व्हाट आर वी डूइंग, वी आर कंबाइनिंग बोथ दीज स्टेटमेंट. सो आर टी माइनस आर जीरो प्रोपोर्शनल टू आर जीरो एंड आर टी माइनस आर जीरो प्रोपोर्शनल टू टी. सो व्हेन आई कंबाइन देम आई गेट राइट आर टी माइनस आर जीरो इज प्रोपोर्शनल टू R0 and T. So and मतलब multiplication. So it is R0 into T. Proportionality जाएगा equal to sign आएगा. हम क्या करते हैं, हम constant introduce करते हैं. So once again, therefore RT minus R0 is equal to, अब देखिए इधर proportionality जाएगा equal to sign आएगा, हम एक कॉन्स्टेंट डालेंगे. तो ये कॉन्स्टेंट है अल्फा. नहीं नहीं रो नहीं आता है, अल्फा आता है अल्फा. तो दिस इज अल्फा आर जीरो टी. इसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो अल्फा का नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस, करेक्ट। ये चीज और आपका लीनियर वाला चीज दोनों सेम है। आप अगर ये आंसर को ध्यान से देखो, आर को बदल दो, आर के जगह पे एल लिख दो, तो वो लीनियर एक्सपेंशन का आंसर बन जाएगा। कोई भी चेंज नहीं है। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इमीडिएटली ये आंसर करने के बाद अपने टेक्स्ट बुक में जाके देखना, आपके तीन आंसर अलग चैप्टर के तीन आंसर हो जाएंगे, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो थ्री आंसर्स आपके आज के आज एक अलग चैप्टर में खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये लिंक आपको लगाने को आना चाहिए। So, anyways, so this is RT minus R0, this is equal to alpha R0 T. So, can you tell me, अब यहां से आपका डेरिवेशन दो तरीके से आगे जा सकता है। वो आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसा हीटिंग करने के बाद नया रेजिस्टेंस कितना, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा वो आपको पूछ सकता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना। So there are two things that can be asked over here. One is RT and the other one is alpha. So हम लोग दोनों का आंसर लिख देंगे। पहले RT लिख देते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। So RT is equal to R0 को इधर ले जाओ, R0 plus alpha R0 T, R0 common ले लो, 1 plus alpha t. So this is your derivation for the new resistance. Heating करने के बाद में, temperature बढ़ाने के बाद में आपका नया resistance कितना? तो देखो भाई, ये आपका नया resistance हो गया। तो ये आपका एक derivation हो गया। अब इसी में दूसरा derivation ध्यान से देखिए। अगर आपको पूछा जाता है अल्फा कितना, मतलब आपको पूछा जा रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, तो देखो आप क्या लिखोगे, अल्फा को इधर ही छोड़ दो, ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू, सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, आर टी माइनस आर जीरो अपॉन R0T. तो ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका अल्फा का डेरिवेशन। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में आपको दो डेरिवेशन पूछा जा सकता है, एक आरटी का, यानी रेजिस्टेंस को हीट करने के बाद नया रेजिस्टेंस कितना, दूसरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा क्यू। नाउ आई वुड लाइक यू पीपल टू थिंक एंड टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा, थिंक लॉजिकली एंड आंसर। तन्वी, नेहा, शाबाश, वेरी गुड, मीशा, वैष्णवी, वेरी गुड, अंजलि, विशाल, जानवी, गुड थिंकिंग, अल्फा का नाम क्या है भाई, अल्फा, यस तन्वी करेक्ट है, पहले वाला भी करेक्ट है तन्वी, अल्फा का नाम क्या है, क्या ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, यहां पे ये एंगुलर एक्सेल, वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया, तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन है क्या, यहां पर ये एंगुलर एक्सीलरेशन है क्या, नहीं, यहां पे कौन है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है,
तो आप यहां पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर नहीं सोच सकते। वेरी गुड नेहा। सो इसका यूनिट देखिए अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो वन अपॉन के, आप लिख सकते हो वन अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप लिख सकते हो के रेस टू माइनस वन, या आप लिख सकते हो डिग्री सेंटीग्रेड रेस टू माइनस वन। तो इन अ वे आपके पास चार यूनिट्स, चार तरीका आपके पास लिखने का। यस, सो दिस कैन बी रिटन एज के रेस टू माइनस वन, या आप लिख सकते हो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वन। तो ये देखिए वन अपॉन के वन अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर के इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब ये कैसे हुआ? बहुत सिंपल है, लॉजिक है, ध्यान दीजिए। रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस मतलब ऊपर मेरे पास रेजिस्टेंस ही बचेगा, ऊपर और नीचे का रेजिस्टेंस ओम्स अपॉन ओम्स, तो ये ओम अपॉन ओम कट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा वन अपॉन टेम्परेचर। वन अपॉन टेम्परेचर क्या हो गया? दिस इज वन अपॉन केल्विन, या फिर वन अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस विल बी द यूनिट। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसी अल्फा को एक और तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लीज ध्यान से देखना। वो लिखने का तरीका है, सो आर टी माइनस आर जीरो मतलब वी आर कैलक्यूलेटिंग द चेंज इन रेजिस्टेंस। सो योर चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज either you can write it as dr or you can write it as that triangle r, ya fir aap likh sakte ho delta r. So dekhiye idhar ye jo aapka numerator hai, kar rahe ye jo aapka numerator hai idhar, isko hum likhenge dr upon this is r into this is your rise in temperature, so you can write it as ya to triangle t likho, ya aap likh sakte ho dt, dekho main aapko sab format dikha raha hu, aap isko dt likh sakte ho, aap isko d theta likh sakte ho, dono ko aap aisa triangle r triangle t aisa bhi likh sakte ho, ये सब कुछ सेम है। अब आप बोलेंगे इतना क्यों बता रहे भाई, ये इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज में वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेता है और अपने को समझ में ही नहीं आता है कि ये अल्फा दिया है उसने मुझे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी आर आर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कट, दिस इज वन अपॉन टेम्परेचर, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कट, दिस इज वन अपॉन टेम्परेचर एंड इट इज नथिंग बट योर अल्फा। अब आते हैं हम लोग अल्फा की डेफिनेशन पे और प्लीज इसको अच्छे से याद करेंगे। एज आई सेड, ये आंसर हम सिर्फ एक आंसर नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, हम चार आंसर्स कर रहे हैं। इसके बाद आप जाना थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर पे, ठीक है? जो थर्मल वाला आपका चैप्टर है आपके बुक में, आई विल टेल यू द चैप्टर नंबर, तो दो मिनट देना। चैप्टर सेवन आपके बुक में, जो चैप्टर सेवन है आप चैप्टर सेवन पे जाओ, पेज नंबर 121 हो गया, 122 हो गया, पेज नंबर 123 हो गया, आपने तीन पेज कर डाला है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपका पेज 121, पेज 122, पेज 123 सब खत्म हो गया। तो एक चीज आपने अच्छे से समझी और देखिए आप उसको कितनी जगह पर अप्लाई कर सकते हो। सो वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। अब अल्फा को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, तो अल्फा का नाम क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो डेफिनेशन देखिए,
temperature coefficient of resistance is defined as, हम अपना आंसर लिखना शुरू करें. सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, चले आइए यहाँ पे क्या है अल्फा इक्वल टू, इसका नाम बोलो, व्हाट इज इसका नाम, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, इसका नाम क्या है, आर टी माइनस आर जीरो, नाम ढूंढो इसका, आर टी माइनस आर जीरो किसका नाम है, क्या लिखते हो आप आर टी माइनस आर जीरो को, वेरी गुड. तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टेंस लिख सकते हो. सो temperature coefficient of resistance is defined as increase in resistance ya change in resistance. Now it is upon what, upon R0. What is R0? R0 kaun hai isme se, ye dekho ye aapka R0 wala term. So this is per unit. Original resistance at 0 degrees. Again divided by T per degree rise in temperature. ये definition आप याद कर लो अच्छे से. Once again आपका तीन definition और रटा हो जाएगा. So temperature coefficient of resistance is defined as the increase in resistance per unit original resistance 0 degree centigrade per degree rise in temperature. जितने बार बोलते जाओगे धीरे 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 आपको वो फटाफट याद रहने लग जाएगा. So temperature coefficient of resistance is defined as, so it is defined as what? Increase in resistance per unit original resistance at what? 0 degree centigrade per degree rise in temperature. आपको इसका नाम लिखना है डिवाइडेड बाय इन दोनों का नाम लिखना है. ओके नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अ गेस्ट, जस्ट वन मिनट.